कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई के हिसार सेक्टर 15 स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। इसके साथ ही आदमपुर में भी उनकी कोठी और गुरुग्राम में भी उनके आवास पर छापा मारा गया है। उनकी कोठी को पुलिस ने अपने घेरे में ले रखा है और आयकर विभाग की टीमें अंदर जांच में जुटी हुई है। कुलदीप बिश्नोई की कोठी के बाहर पुलिस तैनात है और अंदर से गेट बंद कर लिया गया है। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की भी मकान के अंदर बंद होने की सूचना आ रही है। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन बंद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह इनकम टैक्स की टीम पुलिस बल के साथ सेक्टर 15 के आवास पर पहुंची। सूचना है कि कुलदीप बिश्नोई के गुरुग्राम में आवास पर भी छापेमारी की गई है। भव्य बिश्नोई और अन्य परिजनों से जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले। टीम कितनी देर छापेमारी करेगी और सर्च ऑपरेशन में क्या निकलता है यह अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई की पत्नी एवं विधायक रेणुका बिश्नोई ने इस संबंध में फेसबुक पर पोस्ट डाला है। इसमें उन्होंने लिखा है, हमारे आवास पर छापेमारी की गई है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि घबराएं नहीं, साफ राजनीति की है और करते रहेंगे। रेणुका के पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही आदमपुर कुलदीप बिश्नोई के घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। भव्य बिश्नोई एक बार एक अधिकारी के साथ बाहर आए और फिर वापस अंदर चले गए।